होटल में फोन लगा रहे हैं भाई, कोई फोन नहीं उठा रहा। ऐसी कुनाओ तुम वीडियो बनाते हो। चलो भैया आगे मिलेंगे, ये तो यूं ही करेंगे। राम राम जी, कैसे हो आप सब भाई? स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, काफी दिनों बाद। और आज हमारे साथ हैं हमारे परम मित्र अमित जी। राम राम जी। जो के काफी दिनों से लापता थे, मतलब लापता क्या, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। ये अपने व्यस्त थे, हम अपने व्यस्त थे भाई, बिजी ऐसी चल रही थी लाइफ थोड़ी सी। लेकिन आज जो है फिर यार रात में ही शुरू कराओ हमने वीडियो, पर भाई कहा करें दिन में टाइम ही ना मिलो, तो अब रात में ही जब समय मिला तभी चल दिए। तो भाई फाइनली अभी जो है ना टाइम हो रहा है 7:16, 7:20 सॉरी, और हम निकले हैं भाई गाड़ी लेके। गाड़ी अपने पास वही है, कौन सी है ये? टाटा जेस्ट। जेस्ट पेट्रोल है ना, इसी को चला रहा है भाई, इसी से अपना काम कर रहा है। जेब हल्की चल रही है बहुत ज्यादा, तो ये वाली बात है। इससे हम चेन्नई तक गए थे, आपको दिखाया था, अगर आपने वीडियोस देखे हो, नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज भाई हम अभी निकले हैं कहाँ के लिए? मुझे खाटू श्याम जी के लिए, ठीक है। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भाई आज खाटू श्याम जी चल रहे हैं, और अचानक ही प्रोग्राम बनाया, मतलब ये था कि हमें कहीं जाना है, ये नहीं पता था कहाँ जाना है, वो अभी अभी डिसाइड किया है। जैसे ही डिसाइड हुआ वैसे वीडियो हमने कर दी स्टार्ट। कहना चाहेंगे आप सभी दर्शकों से? यार ऐसे काम मत करो, मथुरा वाले रोड। मैं तो वीडियो देख रहा था, हाँ मथुरा वाले रोड पे जाना है मैं। बहुत दिन से गया आगर में। ना ये तो वो है रेलवे लाइन वाला। यार ऐसी बात कर रहा है ये आदमी, ठीक है। ये देखो ऐसे लोग भाई, ना डिपर ना इंडिकेटर, इंडिकेटर था इसका कुछ नहीं, अब दिया है? अब दे रहा है इंडिकेटर, पता नहीं यार। रात में सावधानी से चलना चाहिए भाई, वैसे कोशिश ये करो दिन में सफर करो। हम ही रात में कर रहे हैं, हम कहा के कहा उठे। ये आ चुका है भाई अपना मथुरा, यहाँ से जो रूट है वो है मथुरा, मथुरा से अपना भरतपुर, भरतपुर से फिर अपना जयपुर वाला रोड, ये रूट है जी। बिल्कुल है ना, कितनी बार जा चुके हो भाई तुम? तीन चार बार हो जाए, और वीडियो एक बार भी नहीं बनाई? नहीं है? साथ नहीं थी ना एक बार। तो भाई ये देख लो, तीन चार बार घुमाए और आपको दर्शन ही नहीं कराए इन्होंने, वेरी गुड। मतलब मेरे साथ हो गए तभी वीडियो बनाओगे, जब ही मजा आता है मुझे। चलो तो देखो भाई, हम लोग जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन को, और दर्शन श्याम बाबा ने यही दे दिए। ये देखो, ये लोग पैदल यहाँ से यात्रा निकाल रहे हैं शायद। इतने दिन से देखो चैनल डेड सा पड़ा, डेड नहीं भाई, आप लोगों ने चैनल को डेड नहीं होने दिया, उसके लिए भाई आप सबका बहुत बहुत थैंक यू है ना। ये तो मैं बोलना ही भूल गया भाई, वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं इतने दिन से भी, और सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, जबकि काफी टाइम से वीडियो नहीं पड़ी। तो भाई ये भी आप लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ना, तो ये भी हर किसी के साथ नहीं होता, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है जो हमारे साथ हो रही है। ऐसी कुनाओ तुम वीडियो बनाते हो। चलो भैया आगे मिलेंगे, ये तो यूं ही करेंगे। तो भाई फाइनली, एक तो यार है ना शूट क्या करो, एक तो देख रहे हो बारिश बंद नहीं हो रही, शीशा अजीब से निशान से पड़े हैं। तो हम आ चुके हैं भाई फाइनली मथुरा है ना, और टाइम हो रहा है, टाइम तो ना दिख रहा मैं से, मैं टाइम वैसे ही बता दूं मैं, 9:00 भैया है ना, थोड़ी सी आवाज कम कर दूं, हंस रहे हो यार तुम तो। ये देखो भाई मथुरा, अरे शीशा ही गंदा हो रहा है भाई, आप ही बताओ शीशा इतना गंदा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा वैसे मैं क्या दिखाऊं मैं। श्री कृष्ण नगरी मथुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं मथुरा क्रॉस करके, मतलब मथुरा से अब यहाँ से यूं मुड़ जाएंगे है ना, वही तो है भरतपुर वाले रोड पे, बस ये सामने टर्न है, यहाँ से टर्न ले लेंगे। तो भाई अब भोजन पानी अभी यहाँ तो कहीं मिला नहीं। तो भाई फाइनली एक जगह मिल गई है हमें, कितने बजे? 9:45 जाके, भरतपुर से थोड़ा सा पहले। यहाँ में तो भाई देख रहे हैं मेन्यू, भाई भाई जल्दी लाओ, बालो पता नहीं देखो ना इसमें। ये आ गया भाई खाना, पनीर अमित भाई का फेवरेट, रायता, और ये उनके आदमी। अब भाई रोटी खा लें, सही में सीरियसली भूख लग रही बड़ी तगड़ी। तो भाई ये था अपना होटल, अपना मतलब जहाँ पे खाना खाया हमने, RD कुंतल सॉरी प्योर वेज। तो खाना पीना हो गया है और अमित भाई को आ रहा है आलस, क्या कह रहे हैं अब बताओ कैमरा पे, क्या कह रहे हो? थोड़ा सा आलस आ रहा था मुझे, आलस या आलस? आलस। तो भाई अमित भाई कह रहे हैं मेरी कमर में दर्द हो रहा है, आलस आ रहा है मुझे। पिछले 4-5 महीने से रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हो तुम, yes. कमर में दर्द का है रो है। तो भाई एक चीज और बता दूंगा आपको, टोटल जो खाटू श्याम जी है ना वो अपने घर से हैं, जैसे 273 ये दिखा रहा है, और 95 हम चल आए, तो 370 के अप्रोक्स मान लो है ना, 370 पड़ते हैं अभी यहाँ से दिखा रहा है, 4:41। तो भाई फाइनली आ चुके हैं हम जयपुर वाले हाईवे पे, ठीक है, मेन हाईवे आ गया अपना, सामने टोल भी आ गया। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, टोल कटवाते चलो अपना हाईवे पे, आराम से अपना चलते चलो, शायद माइलेज भी यहाँ पे थोड़ा सुधर जाए। ये देखना 14.3 का माइलेज आ रहा है भाई, कहाँ ये गाड़ी जब हम चेन्नई लेके गए थे ना, जब चेन्नई लेके गए थे आपने भी देखा होगा भाई, 20-21 है ना, 21.5 तक का हमने इस पे से निकाला है माइलेज, अच्छा खासा माइलेज निकला था मेरे भाई, कम से कम। अब पता नहीं यार क्या हो गया इस गाड़ी को, किसकी नजर लग गई भाई, 14.5 तो बहुत कम है भाई, बहुत कम
लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। और ये ग्रीन लाइट हो चुकी है, हमारा फास्ट ट्रैक बिल्कुल ओके है, बढ़िया काम कर रहा है। तो भाइयों काफी देर बाद, काफी लंबे समय के बाद अब हमें बोर्ड पे दिख गया है खाटू श्याम जी, चौमू खाटू श्याम जी, सीकर बीकानेर। तो अभी यहाँ से रह रहे हैं भाई 64 किलोमीटर। टाइम देख लो, 2 बज गए, 1:55 तो घड़ी बता रही है जो कि धीरे चल रही है, और इसके हिसाब से है 72 किलोमीटर, 1 घंटा 7 मिनट। 3:15 बजे पहुंचेंगे जी। क्या होगा फिर रूम वूम का देखते हैं, चल के आपको क्या देखते हैं कि व्यवस्था आप कराएंगे। रात को 3 बजे किससे करेंगे भैया, खोलियो भाई होटल का और गाय के लिए होता है। तो भाई फाइनली जो रिंगस जगह है ना, रिंगस है वहां पर हम आ चुके हैं। ये फ्लाईओवर जा रहा है, फ्लाईओवर के बाद रिंगस जगह है, ये आप देख सकते हो रिंगस शहर। ये आई थिंक काफी जो ना फेमस जगह है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है ऐसा कुछ है, मेरे को कंफर्म नहीं पता, आप में से किसी को पता हो तो बताना। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है रेलवे स्टेशन है यहाँ का रिंगस का। अगर खाटू श्याम जी आपको आना है ट्रेन से तो यही रेलवे स्टेशन पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, एक तो यहाँ से रास्ता चला जाएगा अभी फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही लेफ्ट साइड से, लेकिन भाई वहां पर जो है ना काफी ज्यादा मिलेगी अपने को भीड़, ये गारंटी है, क्योंकि अभी जो पैदल वाले लोग है ना वो सुबह 4 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, लाइन में लग जाते हैं भाई, बहुत तगड़ी लाइन रहती है। तो यहाँ से तो अब अपन जाने वाले हैं नहीं। अमित भाई दूसरा रास्ता दिखाया आपने, आगे से सर है ना, तो यहाँ से नहीं जाएंगे भाई, यहाँ से ये देखो यहाँ बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, ये वाला रास्ता गया एक, तो ये आगे जाके फ्लाईओवर पड़ता है उसके नीचे से राइट चले जाते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता भाई यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे है ना, एक और कट है, तो हम जाएंगे भाई वहां से सीधे अपने अंदर एंट्री मार जाएंगे खाटू श्याम जी, खाटू में, खाटू जगह है और श्याम बाबा तो अपने यही है, तो इसीलिए वो मिला के नाम हो गया खाटू श्याम। तो भाई फाइनली ये देखिए श्री श्याम द्वार है ना, ये दूसरा वाला गेट है जो आपने वीडियोस में रील्स में देखा होगा ना, वो उधर से पड़ता है जो मैंने आपको रूट पहले वाला दिखाया था। अरे यार अंधेरा सी है यार एक संग वीडियो में, ठीक है। तो ये है भाई दूसरा वाला रूट, आप भी अगर गाड़ी से अपनी से आ रहे हो ना तो इधर से आना, बढ़िया रोड है, खाली मिलता है। उधर पैदल वाले जो है ना जो क्या बोलते हैं ना भक्तगण, वो जाते हैं भाई, देखो किसी को दिक्कत ना हो, आप हॉर्न दोगे, वो बेचारे जने कहाँ कहाँ से पैदल आते हैं, किसी का गाड़ी लग भी जाए, बच्चे भी होते हैं भाई, तो 50 टेंशन, 10-12 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, इधर से घूम के आ जाओ, ये वाला सीन है। तो भाई ये देखो होटल में फोन लगा रहे हैं, भाई कोई फोन नहीं उठा रहा, सब फुल पड़े हुए हैं, बहुत तगड़ा बुरा हाल है, बहुत तगड़ी भीड़ है भाई। सीधा करो, सीधा तिरछा मत करो, सीधा सीधा कर दो। अरे नोर कर दो, सीधा सीधा कर दो ना, यो मुझे सीट पीछे करनी है ना। अरे तो यो तो कर लो, तो ये गाड़ी में सोवे को रहा है और का ना मिल लो, रूम मिल लो, अरे रूम कहां मिल लो, रूम ना मिल लो सुन भाई, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा 4000। अरे तो वहां बाहर जाके तो मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा तो वहां से आ जाएंगे गाड़ी से। अब तो भाई यही ऑप्शन नजर आ रहा है अपने को, मैं आपको बताऊं कि यहाँ नहीं मिलेगा ना, तो रिंगस जो है यहाँ से 10-12 किलोमीटर जाके, भाई यहाँ बहुत महंगा बता रहे हैं, किसी में वॉशरूम नहीं है, बोल रहा है आपको लिफ्ट से नीचे आके यूज करना पड़ेगा, कोई बोल रहा है नॉन एसी रूम है, 4000 रुपए मांग रहे हैं। फाइनली ये देखो हम आ चुके हैं अपने रूम में, नीला कंबल, आई समझ में, एसी चला लो यार, चल गया, इसको बंद करो, इसकी आवाज आ रही है, ये भैया वॉशरूम, ठीक है, ठीक है ना, बाहर तो कुछ दिखी ना रहा हूँ तो भाई जाऊँ तो ना, बाहर कुछ दिखा दे तुम, सवेरे दिखाएंगे भैया, अब कुछ ना है। और कैसा रहा भाई, देखो अमित भाई तो बोले कह रहे हो गाड़ी में ही सो जाऊंगे हम, तो ये देखो 15 मिनट में रूम दिलवा दिया, आ गई समझ में, आ गई समझ नहीं जी, हाँ ये वाली बात है। तो यही था भाई अभी के लिए, तो बाकी मिलेंगे सुबह आपसे, अब छोटा मोटा जैसा भी था यही था वीडियो है ना, रात में और क्या ही दिखाते आपको, क्या ही शूट करते, तो मिलेंगे सुबह, दर्शन करेंगे आपको भी कराएंगे, तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और वीडियो पसंद आ गया हो तो उसको लाइक भी कर देना, थोड़ा सा शेयर भी कर देना है ना, क्योंकि काफी दिनों बाद वीडियोस आ रहे हैं तो मुझे पता है व्यूज तो इस पर अभी स्टार्टिंग में कम ही आएंगे, और लेकिन धीरे धीरे हमारी आपकी मेहनत जरूर रंग लाने वाली है, क्यों भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एसी भाई जाओ 29 का कर दो, 27-25 रुपए करो, 28 पे हो तुम्हारा, 29 तक पहुंचा तो वहां, चलो भैया सवेरे मिलेंगे, अब जैसे ऐड कर लें पहले।